हेलो। एक्चुअली आज सीन ये हुआ कि हमारी पहले जिस ट्रेन में टिकट थी वो महाराष्ट्र से आती है बांद्रा जयपुर सुपरफास्ट, ट्रेन नंबर 22933। तो वहाँ बारिश के चलते ट्रेन लेट हो गई और नहीं भी तो 5-6 घंटे लेट है। फिर यहाँ पे आए हम हिम्मत करके, तो यहाँ पे आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिले, जानकारी मिले, बता दूँ कि यहाँ पे करंट रिजर्वेशन की विंडो थी। उन सर से पूछा तो उन्होंने कहा कि 7:30 बजे एक ट्रेन जाती है दयोदय एक्सप्रेस, हम अक्सर उसी ट्रेन में जाते हैं, तो कहा कि आपको उसमें मिल जाएगी रिजर्वेशन थर्ड एसी में। तो मैंने हाथों हाथ उनसे फॉर्म लिया और उसका फॉर्म फिलअप किया और फिर सर ने कहा कि कैंसिलेशन का फॉर्म भी ले लो। फिर कैंसिलेशन जो ट्रेन की ऑलरेडी रिजर्व थी टिकट थी उसका कैंसिलेशन का फॉर्म फिलअप करके, बांद्रा जयपुर वाली का उसका कैंसिलेशन का फॉर्म फिलअप करके वो सबमिट किया, तो ट्रेन ज़्यादा लेट थी तो उसने पूरा रिफंड मिल गया। और उसके बाद हमको उसमें दयोदय में 2 सीट मिली है थर्ड एसी में। अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे बैठे हैं कोटा जंक्शन के, और जाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमारी जो मासी हैं जीना मासी दुबई वाली, उन्होंने जयपुर में नया मकान लिया है और उसका मुहूर्त है तो उसलिए जाना ज़रूरी है। और अभी जो ये व्लॉग है इसमें मैं आपको जयपुर तक की जर्नी दिखाऊंगा और फिर जो वहाँ पे फंक्शन है वो व्लॉग अलग आएगा और फिर जयपुर से कोटा की जो जर्नी का व्लॉग है वो अलग आएगा। तो अभी मैं आपको जयपुर की जर्नी दिखाऊंगा। अभी ट्रेन आने में टाइम है, अभी 6:41 हो रहे हैं, यूँ मान लो आधा घंटा है ट्रेन आने में। 7:20 पे आती है दयोदय और फिर यहाँ इंजन चेंज होता है, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज होती है इंजन की, और फिर यहाँ से सवाई माधोपुर जाएगी, फिर वहाँ इंजन चेंज होगा, फिर डायरेक्शन चेंज होगी और फिर जयपुर के लिए निकलेगी गाड़ी और 12:10 पर गाड़ी जयपुर पहुँचेगी। तो इसलिए अभी मैं आपको आगे की जर्नी दिखाता हूँ यहाँ से कोटा से जयपुर तक। आ गई है, इसका 7:20 का अराइवल टाइम है, अभी 7:07 हो रहे हैं, तो ट्रेन बिफोर टाइम आई है, बेटर देन माय अर्लियर ट्रेन, यानी 5-5 घंटे लेट हो गई वो ट्रेन। खैर गलती उनकी भी नहीं है, बारिश की वजह से ये ट्रेन आती है जबलपुर से 12181 जबलपुर अजमेर दयोदय एक्सप्रेस। हम अजमेर जाते तो हमारी प्रायोरिटी ये ट्रेन रहती है, बेस्ट ट्रेन है अजमेर के लिए। ये कोटा से 7:40 पे चलेगी, 12:10 पे जयपुर और 2:30 बजे अजमेर। तो आप लोग भी कभी ट्रेवल करो तो बेस्ट गाड़ी है ये है। ट्रेन में हमारी साइड लोअर बर्थ, किसी भी ट्रेन में मेरी फेवरेट बर्थ होती है क्योंकि आपकी एक अलग दुनिया होती है, एक अलग वर्ल्ड होता है। और ये बाहर आप जो देख रहे हैं फ्रेट, ये जिस तरह के फ्रेट के वो हैं वैगन्स, इनको बोलते हैं BCN है। ये कवर्ड वैगन्स होते हैं, इसमें ऐसा मटेरियल कैरी करते हैं जिनको बारिश से या पानी से इनसे बचाना होता है, जैसे सीमेंट हुआ, अनाज हुआ, कई तरह के वैगन्स होते हैं, उनमें से एक है ये BCN है। तो बैक टू माय बर्थ, ये साइड लोअर 7 नंबर थर्ड एसी कोच है, ये थर्ड एसी कोच में 8 बर्थ होती हैं, 3-3-6 और साइड की लोअर साइड के ऊपर 8। ट्रेन के कोचेस में जो वॉशरूम्स होते हैं उनके टैंक में पानी फिल करने का काम ऐसे होता है।
अब वो उससे फिल कर दिया था, उसको हटा दिया, दूसरे को कनेक्ट किया है। इस टैंक को टैंक में अटैच करेंगे, भरेंगे। तो इस तरह से ट्रेन्स के टॉयलेट्स के टैंक्स में पानी फिल किया जाता है, कुछ इस तरह। वो जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, वो सिग्नल है रेड का। भी जब वो ऑरेंज हो जाएगा तब ट्रेन चलेगी यहाँ से। अभी 7:31 हो रहे हैं, हालांकि ट्रेन कितने भी बीफ हो रहा है उसका डिपार्चर टाइम वही रहता है। तो अभी वो रेड है, जब ऑरेंज होगी तब ट्रेन, और फिर उसके बाद जो लोको पायलट सर हैं वो वहाँ से ग्रीन सिग्नल वेव करेंगे पीछे गार्ड सर की तरफ, और पीछे गार्ड सर जो हैं वो लोको पायलट सर से अपना सिग्नल मैच करेंगे और वॉकी टॉकी पे सिग्नल देंगे कि चलाओ, फिर गाड़ी चलेगी जितना मुझे पता है। और ये मेरा कोच है, अभी भी रेड है सिग्नल, आपको नहीं दिखेगा इसमें क्योंकि मैंने जूम आउट कर रखा है। ये देखो रेड है, वो देखिए ऑरेंज हो चुके सिग्नल, अब चलेगी गाड़ी। ट्रेन है कोल से भरी हुई, ये होता है बॉक्स एंड वैगन, ये होता है कबूज गार्ड वैन, ब्रेक वैन बोलते हैं इसको। ये कोटा जंक्शन, ये कंटेनर फ्रेट, और ये लोकोमोटिव है वैक्स 7 WAG 7, सहारनपुर लोको शेड का है, लोको पायलट साहब। ये सामने ट्रेन है डिपार्चर को तैयार, नाम पता नहीं कौन सी गाड़ी है, इसमें भी वैक्स 7 लगा हुआ है। ये जो वैक्स 7 लोकोमोटिव है, वैक का फुल फॉर्म है WAG का, मतलब फुल फॉर्म है, देखिए सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, तो WAG 7 है। W का मतलब है वाइड गेज, यानी ब्रॉड गेज पे चलने वाला। A फॉर एम्पियर यानी लाइट से या AC ट्रैक्शन से चलने वाला, और G फॉर होता है गुड्स ट्रेन, मतलब गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी का इंजन है, लेकिन इसको पैसेंजर ट्रेन में यूज़ किया जा रहा है। आपको यहाँ से चंबल नदी कोटा की है, हमारे घर के पास से बहती है, उसका नज़ारा दिखाऊंगा। ट्रेन क्रॉस होगी चंबल नदी से, आपको नज़ारा दिखाना है।
7 वही इसी के साथ लगा हुआ अभी भी है, बस डायरेक्शन चेंज हुई है। बाकी ये लोकोमोटिव वही है, सामने एल्को पड़ा है और रेड मार्कर लाइट्स ऑन है, और इसके पीछे भी शायद कोई लोकोमोटिव है, शायद F4 है या कोचेस हैं, क्या है देखते हैं। मेरे को तो जहाँ तक F4 लग रहा है, WAP4। लेट्स सी, हाँ इसके पीछे F4 है, WAP4। अभी चंबल नदी आए जब तक आपको लोकोमोटिव थे। ये WDM3D एल्को तो मेरे फेवरेट लोको हैं, F4 इटारसी लोको शेड का F4 F5 F7 इनमें फ़र्क है, मतलब F5 F4 में फ़र्क है, तो ऑब्वियसली F7 और F4 में फ़र्क है। सिग्नल ग्रीन है हमारी गाड़ी में, यानी मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड पर गाड़ी जा सकती है। चंबल का पुल है, इसलिए ट्रेन की स्पीड ज़्यादा नहीं होगी, या प्रिकॉशन होगा ज़्यादा, तेज स्पीड अलाउ नहीं है यहाँ पे आई गेस। हालांकि ग्रीन सिग्नल दे रखा है, लेकिन ज़्यादा स्पीड अलाउ नहीं होगी, कॉशन दे रखे होंगे। और शुरू होने वाली चंबल नदी, चंबल देखने शुरू हो चुकी है। देखिए कोटा की चंबल नदी का नज़ारा, चंबल यहाँ पे थोड़ी ब्रॉड हो जाती है नदी, हम देख सकते हैं कितनी चौड़ाई है। इसी नदी पे आके हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है, कोटा का फेमस हैंगिंग ब्रिज। और चंबल नदी खत्म होने को आई, बोट भी खड़ी नीचे, और चंबल खत्म। Hello. Hello.
उस गाड़ी के इसके श्री नोट आई वो सूटे पर दी 11:10 पे आएगी डग वहाँ से आएगी दुर्ग से आएगी गाड़ी 11:10 पे। अच्छा हाँ आज मंगलवार है वो आएगी वो अभी तो वो भी आती है मरुसागर एक्सप्रेस 3:15 पे पहुँचती है वहाँ पर जयपुर। परंतु उसका स्टेटस पता नहीं लग रहा था कि पहले कितनी डेट आई कभी कल क्या आई तो वीकली गाड़ी ना पता नहीं पड़ रहा था उसका। अगर वो आधा घंटा लेट हो जाती तो हम एयरपोर्ट पर लेट हो जाते हैं। आपको इंजन चेंज होगा पीछे की तरफ आएगा और जयपुर की तरफ निकलेगी। ये हैं सोल्जर्स ऑफ इंडियन रेलवेज। ये लोग ट्रैक पे मेंटेनेंस का काम करते हैं। इन लोगों की ड्यूटी की वजह से हम सेफली ट्रेवल कर पाते हैं। सोल्जर्स ऑफ इंडियन रेलवेज करीब होगा। ये जो सवाई माधोपुर स्टेशन है कोटा से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पे है। ये जो लाइन है ये सीधी जा रही है दिल्ली की तरफ, दिल्ली से आगे मेरठ और आगे उत्तराखंड की तरफ। और ये हमारा लोकोमोटिव वेब 7 शायद 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे गई है गाड़ी। जयपुर वाली लाइन डीजल की थी तो डीजल से गाड़ी जाती थी आगे, लेकिन अब वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स खड़े हैं आपके सामने हैं। वैग 9 खड़ा है, आई गेस ये वैग 7 है, पीछे वेब 4 है, एल्को खड़ा है काफ़ी पीछे, लालगुड़ा लोकोमोटिव शेड का सवाई माधोपुर जंक्शन, लालगुड़ा का वेब 7 खड़ा है, इटारसी का वेब 4 खड़ा है, एल्को खड़ा है। ये जो सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन है यहाँ पे दाल की पकौड़ी बहुत फेमस है। आप लोग कभी आए तो दाल की पकौड़ी ज़रूर खाइएगा। अगर फिटनेस फ्रीक भी हो तो भी टेस्ट के लिए तो खा सकते हो, एटलीस्ट एक्सपीरियंस करने के लिए।
अब लोकोमोटिव चेंज होगा यहाँ पे, मतलब जो आगे गए वो घूम के पीछे लगेगा। अभी आगे जाएगा हमारा कोच, क्योंकि हमारा B6 है और ये S4 का बोर्ड था, और S4 यानी इसके बीच में S10 से लेके S4 तो काउंट कर लो और B6 से काउंट कर लो। देखो कलाकारी, ये पकौड़ी की दुकान, कार की गाड़ी, B1 का बोर्ड निकला है, काफी अंदर जाएगी गाड़ी। अच्छा, यानी हमारी इधर से इंजन के करीब थी। शाबाश, आ गया B6। अब हमारी ट्रेन निकल रही है सवाई माधोपुर से जयपुर वाले रूट के लिए, और यहाँ पे दिखा रहा है कि अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस आएगी इस प्लेटफॉर्म पे, 12953 अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस इस प्लेटफॉर्म पे आएगी। सोल्जर्स ऑफ इंडियन रेलवेज, ट्रैक मेंटेनेंस का काम, चाबियां लगाते हुए, कीज लगाते हुए। एक्सेलरेशन अच्छा है Web7 का, इसे झटके देगा तो कैसे चलेगा यार। सवाई माधोपुर, ये एक नंबर प्लेटफॉर्म है सवाई माधोपुर का। अब हमारी ट्रेन का जो हमारा कोच है वो इंजन से काफी पीछे हो गया। ये ब्रेक लगा रहे हैं क्या कर रहे हैं? ट्रैक्स का जाल, ट्रेन जयपुर वाली लाइन पे जाते हुए। इसने स्विच किया है जयपुर वाली लाइन पे। Oh.
स्कूल में मैं पढ़ता था, बालों के स्कूल। ट्रेन इंटर होते हुए जयपुर नहीं थे। देखिए ये फैक्ट है कि टैटू करवाने का ब्लड डोनेट नहीं कर सकते 6 महीने तक ना बस। वही मैं किसी ने बोला लाइफ टाइम नहीं कर सकते। और फिर एग्जांपल देते हैं रोनाल्डो का कि उसने टैटू नहीं करवाता क्योंकि वो ब्लड डोनेट करता है। ऐसे गवर्नमेंट जॉब का तो ऐसा क्या है साइड लोअर में नहीं गिरे। चल रही है दुर्गापुरा से ये एक सबर्बन स्टेशन जयपुर का दुर्गापुरा। आजकल भयानक था सुना। ये वाला सफर याद रहेगा। इतना संघर्ष किया कल से। दो बार तो टिकट कैंसिल कराई। देखता नहीं देखा नहीं। तो फिर भी भगवान साथ में था। पैसे पूरे मिल गए। पढ़ते ना भूख तो काम बेकार जा रही है। मेरे को बत्ती तो क्लिक हो गई थी। मैंने कहा कि घंटे हुए मैं लेट है गाड़ी फिर तो
वीडियो बना लो। जयपुर, जयपुर में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव देख के बड़ी खुशी हुई। मैप से ICF मतलब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। हाँ हाँ पता है। डी रेखा, हाँ हाँ आ रहा हूँ, नहीं आएगा मैं रखा हूँ।